नमस्कार दोस्तों, मैं कल्पना मौर्य। आज हम बनाने जा रहे हैं प्याज के पत्ते की, नहीं नहीं पत्ते की नहीं, जिसमें से फूल निकलता उसकी सब्जी। ये रहा सोयाबीन्स और है प्याज के जिसमें से फूल निकलते हैं उसके डंठल। आप लोगों को क्या कहते हैं मुझे नहीं मालूम है। इधर हरी मिर्च, प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, जीरा हमने डाल दिया इस तरह से। जीरा हमारा चटकने लगा है। अब हम डाल देंगे लहसुन इस तरह से। लहसुन हमारा थोड़ा थोड़ा पक गया है। अब हम डालेंगे प्याज। इस तरह से हम प्याज डालेंगे। अदरक थोड़ा सा डाल देंगे खुशबू के लिए। अच्छे से हम पका लेंगे। इस तरह से अच्छे से हम पकाते हिलाते रहेंगे, पकाते रहेंगे, हिलाते रहेंगे और पकाते रहेंगे इस तरह से। और सुनाइए आप लोग कैसे हैं, मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगती है ज़रूर कमेंट में बताया करें। और मेरी वीडियो कौन से देश में जाती है वो भी बताया करें। हमने हरी मिर्च डाल दिया इस तरह से, ये देखिए। बहुत ही खाने में टेस्टी लगती है ये सब्जी। इस तरह से हम पका लेंगे। इस तरह से अब हम डाल देंगे टमाटर। अब सभी लोगों के यहाँ काम ही काम होगा, जैसे कि गेहूँ काटना, भूसा लेना। अब हम सोयाबीन डाल लेंगे इस तरह से। इस तरह से अच्छे से हिलाते रहेंगे हम इस तरह से। अब हम पत्ते डाल देंगे जो काट कर रखा हुआ है इस तरह से। ये देखिए कुछ इस तरह की सब्जी हो गई है। देखने में भी कितनी अच्छी लग रही है, खाने में तो और अच्छी लगेगी। इधर हमने मसाले निकाल कर रख लिया है। नमक, हल्दी, ये थोड़ा सा घर का बनाया हुआ मसाला है, बहुत तेज है इसलिए हमने थोड़ा सा लिया है। लाल मिर्च, पिसा हुआ धनिया, हम इसको इस तरह से डाल देंगे। अब अच्छे से मिलाएंगे। इस तरह से हम हिला लेंगे, मतलब कि ये देखिए हमारी सब्जी के कुछ कलर इस तरह है। ये 5 मिनट में बन के तैयार हो जाएगी। कहते हैं पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती,
ये बात तो सही है, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। पर देखिए जो दादी वायरल हुए, दादी और दादा लखीमपुर खेरी से, करियर बनाने की भी कोई उम्र नहीं होती मुझे लग रहा है। देखिए दादी दादा लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं लखीमपुर खेरी से, बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं दादा दादा। इतनी भी इतनी मतलब कि इतने बूढ़े हो गए हैं दोनों लोग, फिर भी उन दोनों के बीच में कितना प्यार है, बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है कि इतने बूढ़े लोग हो जाते हैं प्यार बरकरार रहता है। मैंने तो बहुत बहुत लोगों को देखा है कि जब बूढ़े हो जाते हैं तो एक दूसरे से ना बात करना बंद कर देते हैं, मतलब पति पत्नी एक दूसरे से बात ही करना बंद कर देते हैं। मुझे भी बहुत दादी दादा से मिलने का मन करता है बहुत ज़्यादा, पर मिल नहीं सकते। ये देखिए सब्जी का कलर कुछ ऐसा है, हमारी सब्जी बनकर तैयार हो गई है। ये देखिए मैं सब्जी का कलर कितना प्यारा, मैंने कोई कलर डालने वाली मिर्ची नहीं डाली है, बस थोड़ी सी तीखी मिर्च डाल दी थी। मेरी वीडियो आपको कैसे लगी ज़रूर बताना, जिस तरह से भी लोग दादी दादा का सपोर्ट कर रहे हैं हमें भी प्लीज़ सपोर्ट करें। ओके बाय बाय।